अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 1 प्याज़, 1 चम्मच खरबूजे के बीज। उन सबको ग्राइंड कर लिया है। यहाँ लिया है मैंने तेल और इसको गर्म होने देते हैं। इसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा, इसको चटकने देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के। इसे 1 मिनट फ्राई करते हैं। यहाँ डाल देते हैं जो हमने ग्राइंड किया है, टमाटर, प्याज़, खरबूजे के बीज, हरी मिर्च। इन सभी को डालकर हम अच्छे से भून लेंगे इनके कच्चापन दूर होने तक। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। 1/2 चम्मच नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। 1/2 चम्मच से कम हल्दी है। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर है। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर एक मेरे पास मिर्च थी मोटे वाली रेड कलर की, वो मैंने डाल दी है। आप चाहें तो इसमें रेड चिली भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च ग्राइंड कर ली थी इसलिए मैंने नहीं डाली है। और इसे अच्छे से भून लेंगे हम। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखें। इसमें डाल देंगे योगर्ट 3 चम्मच हम भर के, 3 चम्मच भर के डाल देंगे और इनको अच्छे से हम भून लेंगे लो फ्लेम पर। भूनते हुए दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से भूनते हुए मसाले में योगर्ट फट जाती है अगर ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो। हल्की आंच पर ही मसाले को भूने, इसमें दही भी अच्छे से भुन जाती है। और अब हम अच्छे से भून कर इस मसाले को यहाँ पर देखें, हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है और अच्छे से भुन चुका है। बस माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना कर देखें। और अब इसमें हम डाल देते हैं पनीर जो 300 ग्राम है ये, और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे हरे धनिया को भी। और थोड़ा सा यहाँ पर हम इसमें ग्रेवी को थोड़ा पतला करेंगे, तो सब पानी डाल देते हैं और मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको कवर करते हैं। जिसे मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। अल्लाह हाफिज़।